हाँ बिल्कुल। ओह हाय, कैसे हो? हाय, मैं तुम बिल्कुल बताओ ठीक हूँ, कैसे तुम हो? कैसी हो? हाँ, हेलो, मैं और खुशी, आप अच्छा कैसे लग हो? रहा है। दरअसल बहुत ट्रैफिक थी इसलिए लेट हो गए हम लोग। हम तो जैसे बस दुनिया बढ़िया की है। दूसरी तरफ से आ रहे हैं, कभी कभी तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये बहुत बिजी आई रहते एम सॉरी, हैं। दरअसल मेरी एक मीटिंग थी, बहुत ज्यादा बिजी थे हम लोग। लव दो मुझे। घर पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए हम आपको घर पर बुला नहीं पाए। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अगली बार आ जाएंगे। तब तक हमारा घर सेट हो जाएगा। हाँ, तब तक हो जाएगा। हमें तो बहुत भूख लगी है, हम लोग जल्दी से ऑर्डर कर देते हैं। मैं चाय सलाद और कुछ बीफ ले लूंगा, बस इतना हो जाएगा मेरे लिए। तुम्हारी बहुत ही अच्छी चॉइस है, मैं भी वही लूंगा। हेमरे, तुमने आज बहुत ज्यादा खा लिया है, डाइट कर रहे हो ना, वजन कम करना है। अरे हाँ, मैंने बहुत हैवी नाश्ता किया था जैसे कि सभी लोग करते हैं, और लंच में मीटिंग भी थी। मुझे डबल एस्प्रेसो चाहिए, जल्दी लाना ठीक है? डबल मेरे लिए तो सिंगल ही बहुत है। तुम क्या लोगी? मेरे लिए एक सामान। आजकल मैं अपने खाने पर बहुत ध्यान देता हूँ। हाँ हाँ श्योर। ज्यादा ही आ गया मुझे। क्या हम पहुँच गए? पहुँच गए? पहुँच गए? क्या हम पहुँच गए? जे, अपनी आंखें बंद कर लो और सो जाओ। पहुँच गए क्या? क्या हम कोई म्यूजिक सुन सकते हैं प्लीज? जी जी, जरा चुप रहोगे तुम? मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। ये ले लेता हूँ, तो ये ले लेता हूँ। इस वक्त पानी पर जंग हो रही है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उनको तकलीफ हो रही होगी ना, आगे जाओ। चलो आगे जाओ। मैं वहाँ नहीं बैठ सकता, मैं वहाँ बैठूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। आप चली जाइए, मैं यहाँ रहा हूँ। हो जाओ तुम। मेरा पैर संभालिए। मैं पक गई हूँ तुमसे। अभी अंकारा जा रही है, उस तरफ बैठो। मिसेस रेमेडे, मैं बहुत क्यूरियस हूँ, हमने उनको अकेला छोड़ दिया है, कहीं वो एक दूसरे को मार ना दे। हाँ हाँ, मिसेस जान के छोड़कर जाने के बाद सनम बहुत बदल गई है। वो थोड़ी सनकी हो चुकी है, थोड़ी अग्रेसिव हो चुकी है। आप चाहें तो उसे पागल भी कह सकती हैं। आप सोच भी नहीं सकती, उसने मुझ पर भी कई बार अटैक किया है। मैं जान को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो रुकना ही नहीं चाहता, वो बस भागना चाहता है पर भाग नहीं सकता। और सनम उसे जाने के लिए बोल नहीं सकती, अभी के लिए इतना काफी है। लेकिन मिस्टर अजीज ने कितनी अच्छी एक्टिंग की ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। अजीज बहुत ही एक्सेप्शनल है। ओ अच्छा, लेकिन हमें ये एक सीक्रेट रखना होगा। सब यही सोच रहे हैं कि अजीज एक बूढ़ा बीमार इंसान है, और अपनी खोई हुई कंपनी को वापस खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान है, वरना तो जान भाग जाता। इसे हमें बिल्कुल सीक्रेट रखना होगा, समझ गए? अब ओ गॉड, क्या कर रहे हो तुम? सीक्रेट कहा? सीक्रेट कहा इन्होंने? क्या आराम से, मेरा सीक्रेट, मेरा सीक्रेट, मुझे उसको सीक्रेट रखना है, ठीक है? नहीं नहीं मिस डेरेन, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने सुना है। क्या कार रोक सकते हो प्लीज? मुझे अभी नीचे उतरना है, प्लीज कार रोक दो प्लीज। मुझे नीचे उतरना है, नीचे उतरना है, नीचे उतरना है, मुझे बाहर निकालना है, प्लीज बाहर निकालो मुझे। अरे कार क्यों नहीं रोक रहे हो तुम? मिस्टर ड्राइवर स्टॉप द कार, कहा हुआ सुनाई नहीं देता। मैंने कहा स्टॉप द कार, समझ में नहीं आता? स्टॉप द कार, प्लीज स्टॉप द कार। हाँ ठीक है ठीक है, दरवाजा खोलो, 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 खुल गया। कहाँ जा रहे हो तुम? जी जी, आपने से समय दे, काश आपने ये मुझसे कहा होता, वो सीक्रेट अपने दिल में नहीं रख सकता। जी जी, कहाँ जा रहे हो तुम? ये स्टेक तो बहुत ही टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आया। चिया सलाद भी अच्छा होगा। मैं टर्किश खाना बहुत मिस कर रही थी, आप टेस्ट करेंगी? नहीं नहीं शुक्रिया, आप एंजॉय करिए। मेरे भाई का कॉल है। सनीम भी कॉल कर रही है, क्या बात है? हाँ भाई। लैला, हाय सनीम, तुम ठीक हो ना? जान यहाँ आया है। कहाँ हो तुम भाई? मैं अपनी बोर्ड पर हूँ सनीम की वजह से। क्या मतलब है सनीम के पोस्ट पर? क्या तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जान किस लिए आए हैं? क्यों? वो मुझे भूल चुकी है, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, वो मुझे भूल चुके हैं। एमरे, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता। तो भाई चले आओ ना वहाँ से। मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ एक मिनट भी रुके। तो उसको जाने के लिए कह दो ना। मैं नहीं जा सकता एमरे, हमारे डैड यहाँ। वो नहीं जा सकते, उनके डैड यहाँ है। उसके डैड फार्म पर है। क्या डैड? भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? मैं यहाँ दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ। सनी, मैं वहाँ पर थोड़ी देर में पहुँचती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? आई एम सॉरी, कुछ अर्जेंट है, फैमिली प्रॉब्लम है, हमको जाना पड़ेगा प्लीज। हम फिर से मिलेंगे ना? मुझे लगता है जरूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग कनाडा से अभी आए हैं और हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। नो प्रॉब्लम, मुझे सिर्फ कॉफी ली है।
अरे कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं मैंने ले लिया है, अगर तुम्हें पे करना था तो तुम्हें पहले लेना चाहिए था। मैंने ले लिया तो मैं पे करूंगा। एक काम करो, तुम अगली बार पे कर देना। जैसी तुम्हारी मर्जी। POS डिवाइस लेकर आएंगे प्लीज। मैं सनीम के पास जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। नहीं कम से कम चल के हेलो तो कह दो। चलो भाई। भाई कितनी फिक्र हो रही थी मुझे पता है। हमारे बाल कितने बढ़ गए, एकदम किसी हॉलीवुड फिल्म के हीरो लग रहे हो। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम संभल कर अच्छा लगा। हनी यहाँ ना। हाय जॉन। हेलो लैला। मैं जाकर सनीम से मिलती हूँ। हमारे डैड कहाँ पर हैं? सनीम कैसी हो तुम? कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, सांस लेने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर मैं खुद को याद ना दिलाऊं तो सांस लेना भूल जाऊंगी। हाँ तुम सही कह रही हो सनीम। ये जान की बोट है, हम इसको पलट दे क्या? मैंने भी कुछ यही सोचा था, लेकिन फिर वो यहाँ रुक जाएंगे शायद। सही है। तुमने देखा उन्हें? हाँ देखा। ऐसे दिखता है जैसे जंगली माउंटेन मैन हो, वाइल्ड सेलर ज्यादा अच्छा दिखता है। उसके बाल, उसकी दाढ़ी कितने वाइट दिखते हैं, बिल्कुल वाइल्ड लगता है। सूट नहीं करता बिल्कुल। सनी इनका रुकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो ना, मैं अमरी से बात करती हूँ। नहीं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, फिलहाल मिस्टर अजीज बेड पर है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोस्ट के उस पर एक घर खाली पड़ा है, वो लोग वहाँ पर रह सकते हैं, तो फिर वो इस तरफ नहीं आ पाएंगे और तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा, ये ठीक रहेगा है ना सनीम? तुम बताओ। वो घर मिसेस मेरिबन का है, हमें उन्हें पूछना पड़ेगा। तुम उनसे कहना कि वो हमारे गेस्ट हैं, वो एक्सेप्ट कर लेंगी, मुझे यकीन है। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं अपनी बॉडी तक को फील नहीं कर पा रही, मतलब मैं कांप रही हूँ। और उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए यहाँ पर नहीं है, अपने डैड के लिए यहाँ है। गुड, तब तो वो चला जाएगा। चलो ये बात तो अच्छी है, उसने तुम्हें बर्बाद किया है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, सब कुछ फिर से अच्छा हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। आ मेरी प्यारी बहन, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। डैड क्या हम हॉस्पिटल चलें? डॉक्टर्स चेक कर लेंगे आपको अच्छे से, अच्छा रहेगा आपके लिए डैड। मैंने पिछला पूरा साल डॉक्टर्स के कंट्रोल में बिताया, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ फ्रेश एयर की जरूरत है और अच्छे खाने की और स्ट्रेस से दूर रहने की जरूरत है, यही मेरी रेमेडी है। एक काम करते हैं, इस होटल से चेकआउट कर लेते हैं, कोई ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर गार्डन हो, क्या कहते हो? ठीक है ठीक है, मैं यहीं कहीं आसपास रहना चाहता हूँ, वो पड़ोस का घर मेरे लिए अच्छा रहेगा, वो उधर है। डैड पूरी दुनिया में आप इसी जगह क्यों रहना चाहते हैं? हाँ ये मेरी एजेंसी के करीब है, मैं आ जा सकता हूँ, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, थकना नहीं चाहता ज्यादा। क्या कहा एजेंसी? एक बोर्ड लगा देने से एजेंसी बनती है? आपने मुझसे कहा था ना कि अब आप काम नहीं करेंगे डैड। हाँ मैंने कहा था, लेकिन इस बोर्ड को देखने के बाद मेरा दिमाग चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं एजेंसी को फिर से खड़ा कर दूँ बनने से पहले। अरे डैड प्लीज यार, आप ऐसी बात मत करो ना, सभी को एक न एक दिन जाना है।
देखो किसका कॉल। अरे नहीं नहीं नहीं, उसको यहाँ आने के लिए बिल्कुल मत कहना, ठीक है? और ये औरत मुझे बीमार कर दी। मैं नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पर हैं। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ हैं। वो आपसे मिलेंगे तब उन्हें पता चलेगा, ठीक है? मैं आता हूँ, बात कर लेता हूँ उनसे। मुझे तुम पर भरोसा है, उसको कुछ भी मत बताना प्लीज। मॉम, एमरी, तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देते? कहाँ हो तुम? मॉम, भाई यहाँ पर है, मैं उसी के साथ हूँ। क्या? जान वापस आ गया है? कहाँ हो तुम लोग? सनेम के फार्म पर है। सनेम के फार्म? वो आते ही वहाँ चला गया? उसे ऐसा नहीं लगा कि पहले आकर अपनी अपनी मॉम से मिल ले और फिर वहाँ जाए? मॉम प्लीज शांत हो जाइए। दरअसल डैड यहाँ पर इसलिए आया है। तुम्हारे डैड वहाँ पर क्या कर रहे हैं? सलीम के फार्म पर? मुझे सब कुछ बताओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं आपको सब कुछ बाद में बताता हूँ। नहीं, मैं वहाँ आ रही हूँ। मुझे जल्दी से एड्रेस भेजो, मुझे अपने बेटे से मिलना है। डैड की तबीयत ठीक नहीं है और वो आपसे इस वक्त नहीं मिलना चाहते हैं। लेकिन फिक्र मत करिए, मैं कुछ करता हूँ कि भाई आपसे मिले। मिस्टर अजीज मुझसे नहीं मिलना चाहते, ठीक है? सनम के फार्म पर फार्मर की तरह रहो और मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती हूँ तुम लोगों के बिना। वैसे भी मैंने तुम लोगों के लिए किया क्या है, है ना? मैंने आज तक कितनी मुश्किलें सही हैं, तुम भूल गए हो? मॉम प्लीज विल यू काम डाउन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हनी, हे हनी, सनम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मॉम कभी नहीं बदलेंगे। चलो हम डैड से मिलकर आते हैं। क्यूबा में मैंने डांस सीखा था सालसा। जब मैं अच्छा हो जाऊंगा ना तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। डैड, ओ माय गॉड, माय गॉड, कितनी प्यारी है मेरी बच्ची लैला। कैसी हो तुम बताओ, कैसी हो तुम? वेलकम मिस्टर अजीज। ये क्या मिस्टर अजीज, क्या तुम मुझे इस तरह से ही बुलाओगी? क्या तुम मुझे डैड नहीं कहने वाली? मतलब अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ठीक। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं आपको डैड बुलाऊंगी। वेलकम डैड। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी खूबसूरत बच्ची लैला, जमरे ये सबसे खूबसूरत गिफ्ट तुमने मुझे दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। चल, मैं इसी तरह तुमसे भी कुछ चाहता हूँ। वो लड़की जिसका तुमने फोन पर जिक्र किया था, तुम्हारा प्यार जो तुम्हें इस्तांबुल में मिला था, मेरे बच्चे एक बार तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे जाने मत देना। तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए, अपने प्यार के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। जान, तुम्हारे प्यार का नाम क्या बताया था तुमने? जान, वो मैं भूल गया हूँ, प्लीज नाम बताओ। सनम, आप यहां क्यों आए हैं? आपने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद की। आपने मेरा दिल तोड़ा है और अब आपके लिए सनम नाम का कोई भी बचा नहीं है। आपको मुझसे क्या चाहिए अब? तुम और जिसने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, तुम्हें अभी भी यही लगता है कि वो नोटबुक मैंने जलाई। तुमने मुझे गुनहगार बताया, कैसे कह सकती हो तुम ये? तो फिर किसने जलाया था अगर आप नहीं थे तो? इगीत ने? क्या उसने जलाया जो वो नोटबुक पब्लिश करने की कोशिश कर रहा था? वो एक बुरा सा सपना था मेरे लिए सनम। मैंने जो भी किया उसके लिए मैं साल भर तक सफर करता रहा। जो मैंने उसके साथ किया वो पहले से तय थोड़ी ना था, पर वो झूठा है। तुम आज भी उस पर यकीन कर रही हो? उस पर ऐसा था तो आप गए क्यों? तुम चाहती थी कि मैं चला जाऊं? आप रुक भी सकते थे मेरे कहने के बाद भी। आपको रुकना चाहिए था, मैंने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश की। शायद आपको पता नहीं कि मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी, लेकिन आपने मुझे कॉल तक नहीं किया। तुम ऐसा मान सकती हो?
प्यार ने एक बुरे इंसान की शक्ल ले ली थी, एक गुस्सैल ओवर स्ट्रेस्ड इंसान। जान अब मर चुका है, मैंने उसको मार दिया, तो तुम भी उसे भूल जाओ। मैं ऑलरेडी भूल चुकी हूं, लेकिन बड़ी ऊंची कीमत चुकाई है। जब आप अपनी जिंदगी को किसी के इर्द गिर्द बुनते हैं ना, उसके प्यार के साथ, और जब वो चला जाता है ना, तब जिंदगी नर्क बन जाती है। इट्स अ ट्रेजेडी। मैं आज रात को डैड को लेकर चला जाऊंगा। आपके डैड यहाँ से नहीं जा सकते, उन्हें जगह पसंद है और उन्हें जब तक यहाँ रहना है वो रह सकते हैं। लैला, आज क्या खाना चाहती हो तुम? मॉम, हमारे फ्रिज में बहुत सारा खाना पड़ा है, आप लोग खा लेना, हम लोग लेट हो जाएंगे, प्लीज खा लेना। तो फिर सैनम को भी साथ ले आना ना, मुझे उसकी याद आ रही है। नहीं मॉम, हम नहीं आ सकते, मिस्टर अजीज और जान यहाँ पर आए हुए हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि हम यहाँ पर रुक जाएं। क्या कहा? जान उसके साथ है? उसकी हिम्मत कैसे हुई, क्यों आया वो वहाँ? मॉम, मुझे नहीं पता, हम यहाँ पर सनीम के साथ है, ठीक है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। हाँ हाँ, तुम लोग वहीं रुको, उसके साथ ही रुको, यही अच्छा मौका है, देखो उसे अकेला मत छोड़ना बेटा। थैंक्स रमी, थैंक्स वेरी मच। ओके मॉम, सी यू। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे कॉल का, मुझे फोन जरूर करना, मुझे इंतजार रहेगा। अरे नहीं मैं कबे, तुम उन लोगों को अकेले क्यों नहीं रहने देती? देखो वेदर कितना अच्छा है, बैठो चाय पीते हैं, चलो। जान वापस आ गया है, जान। क्या कहा, जान आया? उसकी इतनी हिम्मत, अब वो वापस क्यों आया है? मिसेस मर्फी, अपने हाथों में जादू है, हर चीज कितनी डिलीशियसली बनाई। थैंक यू। वो जान आने वाला नहीं था, उसने कहा कि उसे भूख नहीं है, पर मैंने इंसिस्ट किया। थैंक यू सो मच। मिर्फी भाई, बहुत टेस्टी है खाना। थैंक यू निहात। आपके हाथ में जादू है मॉम। थैंक यू बेटा। गॉड ब्लेस योर हैंड्स मॉम। थैंक यू मेरी प्यारी बच्ची। खाना बहुत टेस्टी है मॉम। थैंक यू मेरी बच्ची। ये स्टफ्ड ग्रेप लीव्स बहुत टेस्टी है, थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है, सबने बहुत थैंक्स कह लिया, अब खाना शुरू करो, कब से ठंडा हो रहा है, चलो शुरू करते हैं। सॉरी मिस्टर अजीज। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे ट्रेडिशन का एक पार्ट, होममेड खाना बहुत मिस कर रहे थे हम लोग, इसीलिए ये सब, वरना होटल का खाना तो मैं भी मिस कर रहा था। गलत बोल रहे हैं आप, मिसिंग शब्द बहुत ही स्पेशल होता है, इसका मतलब बहुत ही गहरा और स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर आप इसे खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो गलत है। सनी, मुझे लगता है जान अपनी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, मैं सही कह रही हूँ ना? मुझे तो जहाँ तक की लगता है ऐसा ही है। हाँ हाँ, हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट खाना बनाया, थोड़ा और दीजिए ना। और लो ना बेटा, तुमने खाया नहीं होगा। हमारा घर ऐसा ही है मिस्टर अजीज, हम बातें ज्यादा करते हैं और खाना भूल जाते हैं, फिर हमको याद आता है हमने खाना शुरू कर देते हैं। फिर इतने लजीज खाने के बाद मुझे लगता है कि बैग डायमंड पार्टी कुछ अलग। अच्छा ऐसा है? सनीम, यहाँ पर बैग डायमंड सेट है क्या? शायद हाँ, आई एम नॉट श्योर। ये तो अच्छा रहेगा, पर मिस्टर अजीज हमारा घर बहुत दूर है, बिल्कुल मैं आपकी परमिशन। हमारे घर भी आइए, हमें इंतजार रहेगा। हाँ, हाँ, अब हम चलते हैं। बिल्कुल आऊंगा, लेकिन अभी बहुत शॉर्ट विजिट पर आए हैं, हम फिर से आएंगे। ठीक है ठीक है। बताओ कि तुम कहाँ पर रहोगे? मैं बोर्ड पर रहूंगा, डैड को अकेले नहीं छोड़ सकता ना मैं। चलो। चलिए। जान, क्या हम बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स अंकल, हाथ बोलिए।
मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे कैसे बात करूं, क्योंकि राइट अल्फाज नहीं है मेरे पास, इसलिए सीधे बात करता हूं। मैंने हमेशा तुमसे बेटे की तरह प्यार किया है, हमने तुम पर भरोसा किया, मैंने और मेव के बहने, हमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने हमारी खूबसूरत बेटी को दुख दिया, नाखुश कर दिया उसको। तुम्हारे जाने के बाद वो बीमार पड़ गई, उसको थेरेपी लेनी पड़ी, वो क्लिनिक में भर्ती थी, थैंक गॉड कि वो ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये बात दोहराई जानी चाहिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सनम से दूर रहो, उसके लिए बिल्कुल सही नहीं हो तुम। सनम क्लिनिक में, सनम से दूर रहो, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, तुमसे और कुछ नहीं चाहता। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे वो दुखी हो जाए, और मैं कभी उसको इंजर करने की सोच नहीं सकता, ना कभी चाहता था। मैं यहाँ सिर्फ अपने डैड से मिलने आया था, और जल्द ही मैं वापस भी चला जाऊंगा। मैं सलीम को फिर से दुखी नहीं देखना चाहता, खैर तुम्हारी ट्रिप अच्छी हो, और कुछ सनम से दूर रहो बस। एमजे, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मेरे कॉल का? एक भी कॉल नहीं उठा रहा। फिर से मेरा कॉल नहीं उठाया, फिर से कॉल नहीं उठाया। मिसेस अंकित, आओ आओ अंदर आओ। कैसे हो? अंकित, क्या तुम्हें पता है मैं वहाँ पर नहीं गई क्योंकि अजीज वहाँ पर है, जान वापस आ गया है और मेरा दिमाग खराब होने लगा है। वो दोनों फिर से एक कैसे हो सकते हैं? एक सेकंड, जान वापस आ गया? क्या तुम्हें ये पता नहीं? नहीं तो। क्या तुम फार्म नहीं गए थे? मैं तो अपने घर पर था। हमें इस वक्त वहाँ की सिचुएशन पता नहीं है, और हम में से किसी एक को वहाँ होना ही चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा सकती। कंफर्टेबल है ना? हाँ, बिल्कुल बच्चे की तरह। डैड, आप यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रहेंगे। मैं या तुम? मैं। चल बेटा, सनम के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, चाहो तो बता सकते हो मुझे। फिर कभी डैड, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करो। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। हमेशा एक सा ग्राफिक, वही सेम कैलकुलेशन है। तुम इसे उठाकर यहाँ पर रख दो, ठीक है? वैसे जे जे, तुमने ये पेपर में क्या लिख कर रखा, जरा बताओगे मुझे प्लीज? ये स्पीच है मैंने अवार्ड मिलने के बाद लिखी। सच में क्या बात है,
हाँ। कोई कमर्शियल नहीं, कोई कस्टमर नहीं, लेकिन तुम्हारी स्पीच लिखकर तैयार हो गई है। पहले एस्टैब्लिश तो होने दो, अभी से तुम खायली पुलाव बनाना बंद करो प्लीज। कम ऑन मुजफ्फर, ज्यादा नेगेटिव मत बनो यार, सपने देखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने कंपनी को री एस्टैब्लिश किया है और हमारी टीम भी गजब की है। हाँ ये बात तो है, हम दोनों वाकई में एक बहुत ही गजब की टीम है। कोई जवाब नहीं हमारा। एक छोर पर मिस्टर अजीज है जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ कमा कर खो दिया है, और एक तरफ है हमारी नई बेस्ट सेलर जवान राइटर सनेम, एक जॉबलेस ऑफिस बॉय जिसका नाम है जे, और एक मैं हूँ जो पापुआ न्यू गिनी गया और वहाँ पर जाकर अचानक शादी कर ली, और उसके बाद अचानक तलाक भी ले लिया मैंने। क्या बात है, मानना पड़ेगा लाजवाब टीम है हमारी। मेरे भाई सपने देखना बंद करो, हम कोई गजब की टीम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मुजफ्फर ऐसा मत करो, तुम हमेशा नेगेटिव एनर्जी फैलाते रहते हो, बुरी बात है ये। हमें नेगेटिव रहना पड़ेगा जे, देखो अगर तुम ट्रेड में बिजनेस करना चाहते हो तो तुम्हें नेगेटिव सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट्स करने पड़ते हैं, रेंट है, बिल्स है, इसलिए नेगेटिव सोचना बहुत ही जरूरी है। ये सब के बाद ना तुम्हारा पॉजिटिव चेहरा डल हो जाएगा। मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा हूँ मेरे भाई। पता नहीं मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है भाई, स्पीच लिख रहे हो यहाँ पर बैठकर। ठीक है शांत हो जाता हूँ, बहुत चिल्ला दिया मैंने। ठीक है ओके, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो अपनी स्पीच सुनाओ। ओके, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इस जगह पर लोग तालियां बजाएंगे, मैं इंतजार कर रहा हूँ, फिर तालियां बजेंगी। सनम इगीत, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए आ गया। आओ बैठो। जान, जान आए हैं यहाँ। क्या जान यहाँ है? क्या वो इसी घर में रुका है? नहीं, कोस्ट में है, अपनी बोट पर रुके हैं। वो यहाँ पर क्यों आया? लंबी कहानी है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं आया है, मैं इतनी श्योर हूँ। वो जल्द ही वापस लौट जाएंगे यहाँ से। सनम तुम उसे ऐसा कुछ मत करने दो जिससे तुम्हें दुख पहुँचे। मैं जानता हूँ तुमने क्या क्या सहा है, तुम अपनी जिंदगी में वापस लौट कर आई हो, तुमने अपनी भूख लिख ली, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो तुम। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। सनम सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, हम साथ में मिलकर करेंगे, लेकिन वो दोबारा कभी नहीं हो सकता। तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले गए, उसके बाद वो बेहोश हो गई थी, उसको एक क्लिनिक में थेरेपी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। क्यों आए हैं आप? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आपने मेरा दिल तोड़ा है, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की। सनम बातों बातों में ही एक बात बताना भूल गया मैं। स्पेन से हमें एक ऑफर आया है, वो चाहते हैं कि तुम वहाँ पे बुक रीडिंग में आओ और एक इंटरव्यू दो। मैं नहीं कर सकती गीत। सनम ये बुक पूरी दुनिया में पब्लिश हो चुकी है, लोग तुमसे प्यार करते हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारी सक्सेस के बारे में वो सब जानना चाहते हैं। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये करने से पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है प्लीज। हम दोनों ने पिछले साल एक दूसरे की मदद की है रिकवर होने के लिए। देखो मैं वहां नहीं जा सकती, ये जगह मेरे लिए अच्छी है और मैं यहां से कहीं नहीं जाना चाहती प्लीज। सनम मेरी बात सुनो, हम ग्रीस से शुरुआत करेंगे फिर हंगरी, ऐसा प्लान करेंगे, है ना? बहुत अच्छा प्लान है, क्या कहती हो सनम, ऐसा कर सकते हैं ना? मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। ठीक है।
तुमने रिकवर कर लिया? I'm happy. तुम यहाँ क्या कर रहे हो जान? ये गेट मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ. मैं कुछ नहीं सुनना चाहता. तुमने इर्द गिर्द के सभी लोगों को तकलीफ पहुंचाई है. मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना. मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ योगित, और अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो जा सकते हो. ये सनम के पास आने का प्लान था, तुम्हारा सिर्फ प्लान था. सनम, इगित प्लीज, मुझे अकेले रहना है. उसने तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर दिया फिर भी. इगित प्लीज. नहीं सनम, मुझसे सहन नहीं होगा. इस बात को मान लो कि मैं मर चुका हूं. प्यार एक बुरे इंसान में तब्दील हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड, जलन खो. वो जान अब मर चुका है, मैंने उसे मार दिया. अच्छा होगा तुम भी भूल जाओ. मैंने वो कर लिया था बहुत ही पहले. मैं आपको भूल चुकी हूं. आइए मेरे भाई जान देवित, वेलकम आपका. आई एम सॉरी, आपके मुंह पे मैं जोर से हंस दिया. वो क्या है ना, आप बहुत पॉजिटिव इंसान है ना, इसलिए आपका फोटो लगाया है ताकि सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए. लेकिन इस केयर प्रो पर आपका फोटो बहुत कॉमेडी लग रहा है, इसलिए देख के हंसी छूट गई. चलो मैं यहाँ पर खड़े ना तो हंस हंस के मर जाऊंगा. अरे ध्यान रखना जान भाई. मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम थोड़ी सन की हो? तुम थेरेपिस्ट की हैसियत से पूछ रही हो या दोस्त बनकर? देखो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका जवाब तो एक ही होगा. मैं सिर्फ एक दिन के लिए बाहर क्या गई, तुमने उसे यहाँ रहने दिया. सनेम, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पागल हो क्या तुम? तुम्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है? तुम उसे अपने करीब कैसे रहने दे सकती हो? ये मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते कह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एक थेरेपिस्ट की तरह पूछती तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से झगड़ना पड़ता. सनेम, समझ रही हो? अब ये लो इसे पकड़ो. हाँ ऐसा हुआ तो है, लेकिन वो अपने डैड से मिलने आए हैं तो मैं क्या कह सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कह पाई. पेट दुख रहा है. अरे अभी तक इसको लोड नहीं किया. कमॉन कमॉन, ये सब्जियां बाजार जाने से पहले ही खराब हो जाएंगी. अभी एक बहुत ही फरीस कैरेक्टर देखा है मैंने, मजा आ गया मुझे. हंसी रुकी नहीं रही है मेरी. मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या? नहीं.
नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने सुना ना उसने क्या कहा? उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग लोग हैं मदद करने के लिए, और फिर यहाँ का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, इसलिए हमें मदद की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा ना सर? हाँ बिल्कुल सही। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो अपने डैड से मिल लो। नहीं, जाके मिल लो। मिस्टर अजीज, मुझे लगता है हमारा टारगेट छोटे रिटेलर्स होने चाहिए, जैसे कि ग्रोसरी वाले, बुचर, छोटे मार्केट। हम उनको एडवर्टाइजमेंट के फायदे बता सकते हैं और उसके बाद उनके साथ काम कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। कैसी बेवकूफों वाली बातें करते हो तुम? तुम्हारी दुनिया बुचर, ग्रोसरी यहीं तक है। कोई बड़ा विजन है कि नहीं तुम्हें? आप अपने बॉस से ऐसे बात करेंगे क्या? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो जेजे। क्या मेरी बात सुनोगे मिस्टर अजीज? मैं इस कंपनी को नहीं संभालूंगा, ये तुम्हारी है, तुम्हें जो करना है करो। मैं यहाँ पर सिर्फ जान के लिए आया हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, समझे ना? लेकिन मिस्टर अजीज, क्या आपको यकीन है कि हमारा प्लान काम करेगा? क्योंकि जान तो वापस जाना चाहता है। फिर से ये कैसा प्यार है मिस्टर अजीज? क्या करें हम? अब आप ही बताइए, ये प्लान तो कामयाब होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मिस्टर जान चले गए तो सनीम वाकई में खत्म हो जाएगी, फिर हम उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को सुनो, जान को इस बारे में कुछ भी बता रही है। मैं उसे रोकने का एक मकसद देना चाहता हूँ ताकि वो यहाँ से जा ना पाए। भूलना नहीं कि हमें उसे जाने नहीं देना है, समझे ना? हाँ, हाँ। वो नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे बाप रे, वो यहीं आ रहे हैं, इससे जान यही आ रहे हैं। आप ये मत भूलिए कि आप बीमार हैं, बीमार हैं हम। मैं बीमार हूँ, देखो मुझे बहुत ज्यादा परेशान मत करो, मैं सिर्फ ऊपरी तौर पर ध्यान दूंगा, ठीक है? हिलिए मत, हाँ, आराम कीजिए, आराम कीजिए। डैड, आप अपने बेड पर क्यों नहीं है? बेटा क्या करता है, मुझे तो हर चीज पर ध्यान देना है ना, अब ये सब संभालना है, इनको भी गाइड करना है। अरे डैड, आपको इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए। डैड आप बीमार है, समझिए, मैं आपको ऐसे देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसे देखता हूँ से क्या मतलब है मिस्टर जान? बताइए क्या मतलब है आपका? उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है। क्या है मिस्टर जान, अपने डैड की तरफ देखकर आपको कैसा लगता है? बताइए हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए। डैड, हमें किसी और जगह पर जाकर रुकना चाहिए क्योंकि मैं तो जल्दी ही निकल जाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, हम देख लेंगे, उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं अकेला सब मैनेज कर लूंगा। तुम जाओ अपनी, क्या बोल रहे हैं, जिंदगी अपने हिसाब से जियो। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्योंकि तुम आज दिन भर ही यहाँ पर हो तो पूरा दिन मेरे साथ रहो, अच्छा लगेगा मुझे। क्यों नहीं डैड? जान सुनिए, अब जब आप यहाँ पर हैं तो मैं आपसे कुछ इश्यूज पर राय लेना चाहती हूँ। ये रही लिस्ट, हाँ एक सेकंड, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड। ये रही हमारी लिस्ट, ये हमारे कस्टमर्स की लिस्ट है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप तो जानते हैं, क्या हमें इन्हें कॉल करना चाहिए, क्या ये लोग वापस हमारे साथ आएंगे? आप क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? मुझे इस पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। उन्होंने देखा क्या?